पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वर्चुअल मीटिंग के बाद देश के कई मीडिया हाउस ने छापा कि जो बाइडेन पीएम मोदी का मूड भांपते हुए रूस से कच्चे तेल के आयात के मुद्दे पर कुछ नहीं कह पाए। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी के हवाले से अमेरिका की मीडिया में छपा है कि जो बाइडेन ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पीएम मोदी से खुलकर बातचीत की। जेन साकी के हवाले से अमेरिकी मीडिया में लिखा गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से रूसी तेल की खरीद में तेजी नहीं लाने के लिए कहा, क्योंकि यूएस और अन्य देश यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मॉस्को की ऊर्जा आय में कटौती करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने रूसी तेल न खरीदने पर कोई सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की। राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया कि वो भरोसा नहीं करते कि रूस से ऊर्जा या दूसरा सामान आयात करने को बढ़ावा देना भारत के हित में है। अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की मदद कर सकता है। हालांकि भारत रूस से बहुत कम मात्रा में तेल खरीदता है, लेकिन हाल ही में बड़ी मात्रा में खरीदारी की गई है, जबकि दूसरे लोकतंत्र व्लादिमीर पुतिन को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने साफ किया है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में अमेरिका मोदी सरकार से खुश नहीं है, और इस बारे में जो बाइडेन ने पीएम मोदी से बातचीत की। हालांकि पीएम मोदी ने इस बारे में अमेरिका से कोई कमिटमेंट नहीं किया, क्योंकि भारत में तेल के बढ़ते दाम भी मोदी सरकार की नजर में है और पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि सबसे पहले देश का हित देखा जाएगा।